आखिर हम लोग कहाँ और कैसे पढ़ेंगे? हमारे लिए कौन है? क्या हमारी पढ़ाई जरूरी नहीं है? हम पिछले 6 महीने से घर में बैठे हुए हैं, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी साधन के, बिना किसी जरिए के। इस देश में वर्ग आधारित 2 अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, जो आज तक हमारे देश और हमारे समाज को विभाजित करता आया है। एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था वो है जो सरकारी स्कूलों की है, जहां शिक्षा का अभाव, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अभाव और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, जो हर प्रकार से न केवल संपन्न बल्कि समर्थ भी है। इन स्कूलों में महंगी फीस देकर बड़े और उच्च वर्ग के लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराकर सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और ये एक प्रमुख कारण है हमारे देश और हमारे समाज में बढ़ते विभाजन, असमानता और गैर बराबरी का। COVID-19 महामारी में जब सारे स्कूल्स और विश्वविद्यालय बंद हैं, और जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब, ग्रामीण, वंचित और सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जो हर प्रकार से शिक्षा का अभाव महसूस कर रहे हैं, जिससे कि सरकारी स्कूल के बच्चे, जो पहले से ही कमज़ोर और हाशिए पे थे, आज वो पूरी एक शिक्षा सत्र पीछे भी हो जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जिस देश में केवल 4.4% लोगों के पास ही कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन जैसे उपकरण उपलब्ध हैं, और जहां केवल 16.5% भारतीय ही कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता रखते हैं, जिस देश में केवल 1/4 घरों तक ही इंटरनेट की पहुंच है, और यदि बात ग्रामीण क्षेत्रों की करें तो ग्रामीण परिवारों में से 100 में से केवल 10 ही परिवारों तक ऐसी पहुँच है, और यदि बात महिलाओं की करें तो महिलाओं में ये 16% से भी कम है। ऐसी परिस्थिति में ये ऑनलाइन माध्यम वाली नई शिक्षा व्यवस्था गरीब, ग्रामीण और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किस हद तक शिक्षा प्रदान करने में समर्थ होगी, यह सवाल उठाना तो लाजमी है। ये विभाजन, जो पहले से ही हमारे समाज, हमारे देश और हमारे व्यवस्थाओं में घर किए हुए था, इस नई शिक्षा नीति और इस नई शिक्षा व्यवस्था ने उसे न केवल और बड़ा किया है बल्कि गहरा भी किया है। बिहार सरकार ने भी अपने राज्य में सरकारी और ग्रामीण स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए यही नई व्यवस्था को अपनाया, जहां दूरदर्शन चैनल के माध्यम से कहने के लिए इन बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है, पर हकीकत में ये केवल कागज़ों तक ही सिमट कर रह गया। आइए जानें इस नई नीति की वास्तविकता हमारे सामुदायिक संवाददाता कोमल की रिपोर्ट से। सरकारी स्कूलों में ना तो वर्चुअल क्लासेस दी जा रही हैं, ना ही इन स्कूलों में ई लर्निंग के फायदे हैं। चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की बात हो या फिर प्रशिक्षित शिक्षकों की बात हो, वर्चुअल क्लासेस और ई लर्निंग के फायदे शायद जरूर होंगे, जो केवल एक वर्ग तक ही सीमित हैं और वंचित, गरीब और ग्रामीण वर्ग के बहुत से परे, जो इन बच्चों को और अधिक हास्य पे ढकेल रहा है। 16 वर्षीय कोमल के लिए COVID-19 महामारी और उसके साथियों के बीच के बढ़ते विभाजन और गैर बराबरी को उजागर करता है, जहां एक तरफ उसके कुछ दोस्त और सहपाठी जो प्राइवेट स्कूलों में दाखिल है और बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने नए शैक्षिक वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोमल जैसे ही लाखों लड़कियां हैं जिनको हाशिए पर ढकेला जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल है उसमें तो है कि बड़े बड़े बच्चे जो हैं घर के, वो लैपटॉप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, और हम लोग जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो तो बहुत गरीब हैं, वो कैसे पढ़ेंगे? उनके पास ना लैपटॉप है ना मोबाइल है, वो तो शौचालय और पानी भी खरीद के पीते हैं। ऐसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का दावा रखते हो, ऐसे हम भी रखते हैं, हम भी गरीब के बच्चे हैं तो क्या जी हुआ, लेकिन पढ़ना चाहते हैं जरूर। अगर पैसे रहते तो हम भी अच्छे से पढ़ते, जैसे वो क्या कहते हैं लर्निंग ऐप पे सब प्राइवेट बच्चे लोग पढ़ते। ये कहानी केवल एक कोमल, स्वाति या रिया की नहीं,
बल्कि इनके जैसी लाखों किशोरियों की है जो आज शिक्षा से बिल्कुल वंचित होकर अपने घरों में बैठने पर मजबूर हो गई हैं। वहीं जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूलों में इस आपदा के वक्त में फौरन ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग जैसी सुविधाओं की शुरुआत कर दी गई थी, तो दूसरी तरफ स्वाति रिया जैसी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लाखों लड़कियां भी हैं जिनकी ज़िंदगी मानो थम सी गई है। देश के ऐसे सैकड़ों बच्चों के पास अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए ना तो किसी प्रकार का साधन है, ना ही कोई माध्यम यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है जिससे हम लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं। मोबाइल भी नहीं है हम लोग के पास, जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, पर कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों की ऑनलाइन कैसे पढ़े। ये लड़कियाँ और इनकी जिंदगी आज न केवल एक असमर्थ, असक्षम, कमजोर और विभाजित व्यवस्था को दर्शाता है, बल्कि आने वाले कल में एक बढ़ती असमानता और वंचित, गरीब, ग्रामीण और हाशिय के बहिष्कार और गैर बराबरी का भी प्रतीक है और एक कमजोर होते हुए लोकतंत्र का प्रतिबिंब। इस महामारी ने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ व्यवस्थाओं और संस्थागत तंत्रों की वास्तविकता को उजागर किया है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था की वास्तविकता जो पहले से ही असक्षम और जर्जर थी। हमारी बिहार सरकार ऐसी पढ़ाई दे रही है तो हम इसमें क्या सीखेंगे? इतना छोटी सी टीवी में हम पढ़ भी नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। इतना छोटा छोटा इसमें अच्छा रहे, जो सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा रहे उसे देख के अगर हम कुछ नोट करना चाहते हैं, 10 मिनट का वीडियो अगर रहता है इसमें, अगर हम सोचते हैं कि कुछ नोट कर लें, नोट करते करते वीडियो भाग जाता है। एक तरफ वो सरकारी स्कूल है जहाँ किसी प्रकार की ऑनलाइन लर्निंग दी ही नहीं जा रही, तो दूसरी तरफ ऐसे सैकड़ों परिवार जो अपने बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप खरीदवाना या फिर इंटरनेट का बिल भरना उनकी पहुँच से परे है। एक तरफ वो तमाम आबादी जो आज बेरोजगारी बन चुकी है, आय का कोई जरिया ही नहीं बचा। एक तरफ वो लेबर प्रवासी श्रमिक घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं, तो दूसरी तरफ बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र के लाखों परिवार जो मुश्किल से एक ही घर में अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं, जहां उनके लिए पढ़ने का कमरा तो दूर की बात, बिजली तक नहीं, वहां एक जगह तक उपलब्ध नहीं। ज़रूरत है कि इस आपदा के वक्त जब लाखों लड़कियां शिक्षा से वंचित अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने घरों में बैठने पर मजबूर हो गई हैं, तो सत्ताधारी शिक्षा के दायरे में जनता और ऐसे तमाम बच्चों के प्रति अपनी जवाबदेही बनाएं और सत्ताधारी होने की सक्रिय भूमिका निभाएं। ज़रूरत है शिक्षा को समावेशी बनाने का। ज़रूरत है एक असमान समाज में रहने वाले हाशिए पर बच्चों की ज़रूरतों को मुख्य धारा से जोड़ने का। ज़रूरत है सत्ताधारियों को आवाम की शिक्षा, रोज़गार, बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति जगाने का, व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने का और आवश्यक संसाधन और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का।